बच्चे को जन्म देती हैं, तो कहा जाता है कि उस वक्त सिर्फ बच्चे का ही जन्म नहीं होता बल्कि माँ का भी नया जन्म होता है। और माँ बनने का सुख हर महिला चाहती है, हर महिला माँ बनना चाहती है। और ऐसा ही अब कुछ हुआ है प्रियंका चोपड़ा के साथ। हाल ही में वो अपने पति निक जोनस के साथ हनीमून से वापस लौटी और वापस लौटने के बाद प्रियंका चोपड़ा को लेकर खबर सामने आई है कि वो माँ बनने वाली हैं, लेकिन निक की नहीं किसी और की। जी हाँ, और आज हम आप सभी को यही बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज प्रियंका चोपड़ा निक जोनस के बारे में। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने 2018 एक और 2 दिसंबर को निक जोनस से शादी रचाई, लेकिन शादी के बाद जब वो हनीमून पर गई, हनीमून से वो हाल ही में वापस लौटी हैं, हनीमून से वापस लौटने के बाद प्रियंका चोपड़ा को लेकर एक खबर सामने आई है कि वो मां बनने वाली हैं, लेकिन निक जोनस के बच्चे की नहीं किसी और के बच्चे की। अब आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, प्रियंका चोपड़ा किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, ये आपको पता चलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। फिल्म डॉन में जंगली बिल्ली बनी प्रियंका चोपड़ा और फिल्म दोस्ताना में देसी गर्ल बनी प्रियंका चोपड़ा इन दिनों शादी को लेकर खूब चर्चा में है। ये तो आप सभी जानते हैं कि साल 2018 एक और 2 दिसंबर को प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड सिंगर और एक्टर निक जोनस संग शादी रचाई। अब शादी तो रचा ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिरकार प्रियंका चोपड़ा माँ कब बनेंगी। और हाल ही में खबर सामने आई है कि प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के बच्चे की माँ नहीं बल्कि किसी और शख्स के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। जी हाँ, ये सुनने में वाकई काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली बल्कि किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हाल ही में हनीमून से वापस लौटे हैं और हनीमून से वापस लौटते ही प्रियंका चोपड़ा की मां बनने की खबर सामने आने लगी। दरअसल ब्रिटिश राज घराना इन दिनों एक नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन मार्कल अप्रैल में बच्चे को जन्म देने वाली है और प्रियंका चोपड़ा प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के बच्चे की माँ बनने वाली है। दरअसल आपको बता कि हाल ही में ब्रिटिश राज परिवार में बच्चे के आने की खुशी काफी ज्यादा मनाई जा रही है, हर कोई एक्साइटेड नजर आया है। लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा के फैंस सुनकर यकीनन हैरान जरूर रहने वाले हैं। दरअसल खबरों की माने तो मेगन की करीबी दोस्त प्रियंका चोपड़ा उनके आने वाले बच्चों की गॉड मदर बन सकती हैं। ब्रिटेन के राज घराने की ये परंपरा है कि नवजात के धार्मिक संस्कार से पहले माता पिता के कुछ करीबियों को गॉड पेरेंट्स के रूप में चुना जाता है। इनमें रिश्तेदार या दोस्त भी शामिल हो सकते हैं। तो वहीं प्रियंका चोपड़ा मेगन मार्क और प्रिंस हैरी की काफी अच्छी दोस्त हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेगन मार्क और प्रिंस हैरी के बच्चे की गॉड मदर प्रियंका चोपड़ा ही बनने वाली है। जी हाँ, दरअसल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस अपनी शादी को लेकर तो काफी ज्यादा चर्चा में है, लेकिन जैसे ही दूसरी खबर सामने आई कि प्रियंका चोपड़ा इतनी जल्दी मां बनने वाली है, तो हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका निक जोनस नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के बच्चे की गॉड मदर बनने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा मेगन मार्कल की करीबी दोस्त में से शामिल हैं, तो वहीं कहा जा रहा है कि गॉड मदर के तौर पर उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। खबरों की माने तो राज घराने की कमेंटेटर एंड्रिया बोलेल के ने जानकारी दी है कि गॉड मदर के लिए पहली पसंद मेगन की दोस्त और स्टाइलिस्ट जेसिका मलरोनी है। हालांकि बाद में एक खबर आई कि प्रियंका चोपड़ा का नाम मेगन मार्कल और
प्रिंस हैरी के बच्चे की गॉड मदर के रूप में चुना गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो प्रियंका चोपड़ा, मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी के बच्चे की गॉड मदर बनने वाले हैं। मेगन से प्रियंका की दोस्ती काफी मशहूर है। प्रियंका चोपड़ा 19 मई को ब्रिटेन में हुई शाही शादी की मेहमान बनी थी। शादी के बाद प्रियंका ने नव विवाहित जोड़े की एक तस्वीर पोस्ट करके अपनी दोस्त मेगन के लिए एक प्यारा सा संदेश भी लिखा था। इस संदेश में प्रियंका कहती हैं, जीवन में कभी कभी वो पल आता है कि वक्त ठहर जाता है, ये आज हुआ है मेरी दोस्त, तुम बहुत शालीनता, प्यार और खूबसूरत के मूर्त लग रही हो। इस शादी में आप दोनों ने जो भी किया वो इतिहासिक में संजोया जाएगा। इसलिए नहीं कि आपकी शादी है, बल्कि इसलिए कि ये शानदार शादी बदलाव और उम्मीद को संबल दे रही है। इन दोनों ही चीजों की दुनिया को बहुत जरूरत है। जी हाँ, जब मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी की शादी हुई थी तो प्रियंका चोपड़ा ने काफी भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रियंका चोपड़ा इन दोनों के बेहद करीब हैं। अब ऐसे में प्रियंका चोपड़ा मेगन मार्कल की इतनी करीबी दोस्त हैं तो कहा जा रहा है कि जब मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी का बच्चा होगा तो प्रियंका चोपड़ा ही उस बच्चे की गॉड मदर बनने वाली है। बॉलीवुड की देसी गर्ल और हॉलीवुड में भी अपना अच्छा खासा नाम कमाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 1 और 2 दिसंबर 2018 में निक जोनस संग शादी रचाई। निक जोनस हॉलीवुड सिंगर और एक्टर हैं, लेकिन निक जोनस संग शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा काफी ज्यादा भावुक होती हुई नजर आई है और साथ ही साथ अपने फैंस से मदद भी मांगती हुई दिखाई दी है। जी हाँ, दरअसल इन दिनों बॉलीवुड में #10 year चैलेंज चल रहा है, तो वही इसी के दौरान सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा ने एक पोस्ट किया है जिसमें वो काफी इमोशनल नजर आई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा, इन दिनों जब हर जगह #10 year चैलेंज की बात हो रही है तो मैंने भी आपकी तरह ही अपने जीवन की बीते 10 सालों के बारे में सोचा। मेरे जीवन में इस दौरान बहुत कुछ बदल गया है, ना सिर्फ मेरे बाल या कपड़ों का लुक बदल गया है या शादी हो गई है, बल्कि अब जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया भी बदल चुका है। इन 10 सालों में मैंने अनुभव किया है कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो इसलिए कि दूसरों को लेकर मेरे मन में हमेशा से एक जिज्ञासा रही है, जिससे मुझे ग्रो करने में काफी मदद मिली और मैं इस मुकाम तक पहुंच सकी जहां आज हूं। इसलिए मैंने अब ये निर्णय लिया है कि एक ऐसी यात्रा पर निकलूं जहां मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से मिलूं। मैं हमेशा से एक लर्नर रही हूं और मैं हमेशा लोगों से प्रेरणा लेती रहती हूं। मेरी इस यात्रा में आप मेरी मदद करें जहां मैं अपने साथियों से, रोल मॉडल से और दोस्तों से सिर्फ एक बात जान सकूं, #justonething, जिसने उनकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाई है। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरह से प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस की नहीं बल्कि किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। निक जोनस के बच्चे की माँ वो अभी नहीं बनेंगी, उसमें अभी थोड़ा सा कहा जा रहा है कि वक्त है प्रियंका चोपड़ा लेकिन जल्द ही निक जोनस के साथ अपनी फैमिली प्लानिंग करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली है वो है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल। जी हाँ, मेगन के प्रियंका चोपड़ा बेहद करीब है। अब मेगन मार्कल जल्द ही माँ बनने वाली है और कहा जाता है कि उनके जो करीबी होते हैं, परिवार वाले होते हैं या फिर दोस्त होते हैं, वो बच्चे के पहले गॉड फादर या मदर बनते हैं। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के बेहद करीब हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ही प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के बच्चे की गॉड मदर बनने वाली हैं। लेकिन अभी दोस्तों फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, बॉलीवुड से जुड़ी कई तमाम हॉट स्पाइसी चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल Next9 News को।